लोकसभा के चुनाव में भी पीने का पानी मांग रहे हैं इस शहर में। इलेक्ट्रल बॉन्ड, अडानी अंबानी, ये सारी चीजें जनता को मालूम है। लोग यहाँ पर हेलमेट जो पहनते हैं वो चालान बचाने के लिए पहनते हैं, सर बचाने के लिए नहीं पहनते। आज से नागपुर कांग्रेस के जो लोकसभा के उम्मीदवार है विकास ठाकरे, वो पदयात्रा कर रहे हैं। आज से दक्षिण नागपुर में पदयात्रा की शुरुआत हुई है। इस वक्त हमारे साथ में विकास ठाकरे, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो किन विषयों को लेकर जनता तक पहुँच रहे हैं। जनता के जो सवाल है, हमको मालूम है लोकसभा का चुनाव है, मगर जनता अभी ही उन्हें जो रोजमर्रा के जिंदगी में जो सुविधाएं होना उससे त्रस्त है। उनके पास पीने का पानी, लोकसभा के चुनाव में भी पीने का पानी मांग रहे हैं इस शहर में। मुझे लगता है कि आज शहर की जनता खुश है क्या, वो अब दो देखना पड़ेगा। एंड चुनाव का वक्त है और कांग्रेस को इलेक्ट्रल बॉन्ड नाम का एक हथियार मिला है, किन विषयों को लेकर जनता तक जाओ? इलेक्ट्रल बॉन्ड, अडानी अंबानी, ये सारी चीजें जनता को मालूम है और मुझे लगता है कि इस शहर की जनता इन्हें इस बार याद दिला देगी। विषय एक नहीं अनेक है। जिस तरीके से यहाँ पे लोगों के साथ में एक झांसाराम टाइप जो काम किया है गडकरी साहब ने, रोजगार देने की बजाय सीमेंट के रास्ते दे दिए, गाड़ियों के टायर घस रहे हैं। लोग यहाँ पर हेलमेट जो पहनते हैं वो चालान बचाने के लिए पहनते हैं, सर बचाने के लिए नहीं पहनते। डामरीकरण जब था, अगर 70 की स्पीड में भी अगर एक्सीडेंट होता था तो सर्वाइव चांस यानी हॉस्पिटल जाने के लिए आपके पास 1 से 1.5 घंटा हुआ करता था, लेकिन आज सीमेंट रोड की वजह से इतना हार्ड हो गया सरफेस कि आपका सर्वाइव चांस 20 से 25 मिनट रह गया। मतलब सीधे सीधे गडकरी साहब लोगों की जान से खेल रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, ये विनाश की राजनीति हो रही है और ये विनाश पूरे नागपुर शहर का हो रहा है, नागपुर वासियों का हो रहा है। यहाँ पे क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है नागपुर में। पहले जो डामरीकरण जो होता था तो मजदूर हर 6 महीने में उसको बनाते थे, क्योंकि एक मजदूर हो चाहे अमीर हो, भूख दोनों को लगती है। लेकिन अगर मजदूर के पास अगर काम नहीं होगा तो क्राइम तो करेगा, क्योंकि भूख उसको भी लगती है, क्योंकि वो अपनी माँ के पेट से जब आया तो वो अपराधी पैदा होके नहीं आया, उसको हालात ने मजबूर किया। आपने वो रोजी रोटी भी छीन ली, आपने जिस तरीके से सीमेंट रोड का जो लेवल है वो ऊपर कर दिया। आज से 10-12 साल पहले आप मुझे बताइए नागपुर शहर में कितनी जगह पानी भरता था, आज बस्तियों के अंदर पानी भर रहा है। कुछ लोगों की जान चली गई अभी पिछली बारिश में, तो आप इसका अभी तक के आपने कोई कंपनसेशन नहीं दिया। आप कितनी बार विजिट किया आप ये बताइए ना। आप ब्लैक कमांडो लेके, आप जेट प्रूफ सिक्योरिटी लेकर के चलते हो, वोट तो आपको नागपुर की जनता ने दिया ना। मतलब जनता अगर आपसे मिलना चाहती है, अगर थोड़ा भी कुछ आगे पीछे सवाल कर लिया, उनके ब्लैक कमांडो गन तान देते हैं। क्या हो रहा है, तानाशाही नहीं तो और क्या है। फुल कॉन्फिडेंसली बिल्कुल जीत रहे हैं हम, 2 से 2.5 लाख वोटों से हम लोग जीत रहे हैं, क्योंकि विकास बहु जो है वो ग्रास रूट के कार्यकर्ता से यहाँ तक आए हैं। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, महिला कांग्रेस की शहर अध्यक्ष हूँ, मेरी किसी भी कार्यकर्ता को दिक्कत होती, मैं 20 बार भी अगर फोन लगाऊँ तो वह 20 बार फोन उठाते हैं। यही होना चाहिए एक नेता में। थैंक यू। जो जिस प्रकार से देश में जो परिस्थिति है, जो अराजकता यहाँ पे फैली हुई है, वो अराजकता मिटाने के लिए, लोकशाही बचाने के लिए हम लोगों के पास में जा रहे हैं और इस केंद्र में जो शासन बैठा हुआ है उसको बेदखल करने के लिए जा रहे हैं। शहर की जनता से जो जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उसको उठाकर उसको लेकर जनता तक जन आशीर्वाद यात्रा